राजस्थान के आदिवासी अंचल डूंगरपुर में आदि समुदाय की एक अनोखी परंपरा है। यह आदि समाज देवी चिड़िया को पकड़कर भविष्य के बारे में जानते हैं। इस देवी चिड़िया को इंडियन रॉबिन चिड़िया के नाम से जाना जाता है। देवी चिड़िया आने वाले साल व मौसम की भविष्यवाणी करती है। आदि समाज ये परंपरा सदियों से चला आ रहा है। वागड़ मेवाड़ गुजरात के आदिवासी अंचल इलाकों में आदि समाज के लोग देवी चिड़िया को पकड़कर घी तिल खिचड़ा खिलाकर छोड़कर उसको बैठने के जगह के आधार पर उसे देखकर आने वाले साल व मौसम की भविष्यवाणी करते हैं। देवी चिड़िया आदि समाज में काफी प्रिय है और प्रकृति पूजक आदिवासी इस चिड़िया को प्रेम व संरक्षण देते आए हैं। आदिवासी इलाकों में सूर्योदय के साथ ही गांव व पालों में आदि समाज के बच्चे और युवाओं की टोलियां देवी होड़ है देवी होड़ है की आवाज के साथ देवी चिड़िया को पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। चिड़िया को पकड़कर उसे नहलाकर व घी से चमकाकर घर घर लेकर घूमते हैं। इसे हर घर पर घी पिलाया व तिल खिलाया जाता है। इस दौरान बाल टोली को उपहार में अनाज व नकद इनाम मिलता है। गांव में फले या मोहल्ले में हर घर घूमने के बाद गांव के गमेती मुखिया व परिवार के बुजुर्ग या किसी मोतबीर के हाथों छोड़ा जाता है। तब ये चिड़िया उड़कर जिस स्थान पर जाकर बैठती है उसके आधार पर आने वाले साल की भविष्यवाणी की जाती है। देवी चिड़िया के किसी हरे पेड़ पर बैठने पर बारिश व खेती अच्छी होने व लोगों का साथ अच्छा रहना माना जाता है, तो वहीं सूखे पेड़ व चट्टान पर बैठने पर आने वाला साल मौसम खराब और सूखा माना जाता है। अगर देवी चिड़िया किसी के घर के ऊपर जाकर बैठ जाए तो साल सामान्य माना जाता है। वहीं इस बार देवी चिड़िया हरे पेड़ पर बैठकर आने वाला साल हरा भरा रहने की भविष्यवाणी की है।